हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीधा से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं अनुपमा के आने वाले एपिसोड की, तो आप देखेंगे कि टीटू और डिम्पी की शादी के लिए अनुपमा घर वापसी कर चुकी है, अहमदाबाद लौट आई है, लेकिन उसका घर वापसी करना कुछ लोगों को भा नहीं रहा है। उसमें से सबसे पहला नाम है वनराज शाह। हमेशा की तरह अनुपमा को हमेशा जलील करने के बहाने ढूंढने वाले वनराज को अब एक और बहाना मिल गया है अनुपमा के इंसल्ट करने का। शो के नए प्रोमो को जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे ही अनुपमा घर में कदम रखेगी, वैसे ही डिंपल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। वो कहेगी माँ और वो गले लगाएगी जाकर। जैसे ही अनुपमा को वो गले लगा कर के अंदर लाने ही वाली होगी, तभी वनराज शाह सबको रोक देंगे और कहेंगे रुको। वो आरती की थाली लाएंगे और अनुपमा की आरती उतारेंगे और कहेंगे कि अनुपमा हमारे इंडिया का नाम रोशन करके भाई सात समुंदर पार से आई है, उसकी रिस्पेक्टफुली यहाँ पर एंट्री तो बनती ही है। और वो यहाँ पर अनुपमा को सरकेस्टिक वेलकम करता है, जिसके जवाब में अनुपमा उसे ये कहती हुई नज़र आती है कि शुभ मुहूर्त पर अच्छी बातें करते हैं कड़वी नहीं, और उसके मुंह में मिठाई का पीस घुसा देती है। तभी दिखाया जाएगा यहाँ पर जो डिम्पी है वो अनुपमा के साथ बहुत खुश होगी, और अनुपमा के जो पोते हैं वो आएंगे और वो कहते हुए आएंगे नज़र कि वाओ दादी आप आ गई, लेकिन हमने सुना है कि अब हम आपके हाथ का कुछ भी बना हुआ नहीं खा सकते। और अनुपमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो अनुपमा है वो घर पर तो आ गई है, लेकिन खुशियाँ कहीं छूट आई हैं, और पीछे यहाँ पर वनराज लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। और दिखाया जाता है कि जैसे ही टीटू का एक्सीडेंट होता है, तब वो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब आएगा मज़ा खेल में। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि क्या टीटू के एक्सीडेंट का और वनराज की प्लानिंग का क्या कोई कनेक्शन है, क्या वनराज ने ही टीटू का एक्सीडेंट करवाया है, क्या लगता है कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।